There are so many problems with natural languages, but we will discuss few problems. So, अगर हम देखें कि requirement specification में जो हमारे पास जो अगर हम natural language में चीज़ों को specify करते हैं तो इसमें बहुत सारी problems जो है वो हमें face करनी पड़ सकती हैं, जिनमें से lack of clarity है. Lack of clarity से मुराद हमारे पास ये कि जो requirements हैं वो अक्सर clear नहीं होती. तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास जो यूज़र्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, अक्सर उनको ख़ुद नहीं मालूम होता कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए. वो अपनी नीड्स और वांट्स जो हैं वो मिक्स करके जो है वो बता रहे होते हैं, और उसको हम अगर उसी तरीके से स्पेसिफाई कर देंगे तो हम जो हैं वो हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी कि दरअसल जो बिज़नेस गोल्स हैं वो क्या हैं. तो हमें उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है वो एम्बिगुअस अगर है कि रिक्वायरमेंट जिसके डुअल मीनिंग निकल सकते हैं या फिर डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं, जिसकी हम एग्जांपल्स प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं. तो इस तरीके से हमारे पास एक प्रॉब्लम तो क्लैरिटी की है कि नेचुरल लैंग्वेजेस में हमारे पास लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, जिसमें कभी कभार जो है वो हमें इनकम्प्लीट लग रही होती है रिक्वायरमेंट, और वो अगर किसी डेवलपर के पास ऐसे ही चले जाए या फिर डिज़ाइनर के पास, तो हो सकता है कि वो अपनी इंटरप्रिटेशन या अपनी अजम्पशन के हवाले से उस चीज़ों को अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे. तो यहाँ पे हमने देखा कि लैक ऑफ क्लैरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास अगर कोई रिक्वायरमेंट है जो कि इनकम्प्लीट है और वो जो है वो इनकम्प्लीट है या एम्बिगुअस है, तो हमने देखा कि किस प्रीवियस एक्सरसाइजेज में कि हम किस तरीके से एक इस तरह की रिक्वायरमेंट को हम मज़ीद जो है वो कम्प्लीट बनाने के लिए जो है वो देख सकते हैं कि कहाँ पे क्लैरिटी नहीं है और वहाँ पे मज़ीद ताकि हम उसको क्लियर करें. दूसरी जो है रिक्वायरमेंट कन्फ्यूजन कि हमारे पास अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको ये नहीं समझ पा रहे होते कि हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि डोमेन स्पेसिफिक है, कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि इनवर्स रिक्वायरमेंट है, कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि फंक्शनल में रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, और बिज़नेस गोल्स के हिसाब से जो हमें जो मैट्रिक्स हैं वो क्या मैट्रिक्स वहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए या फिर उसको हम किस तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिक्वायरमेंट को. तो वो तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि नेचुरल लैंग्वेज में अक्सर ये कन्फ्यूजन जो है वो रिक्वायरमेंट्स में पैदा हो रही होती है कि हम सही तरीके से एक रिक्वायरमेंट का पर्पस समझ में नहीं आ पा रहे होते या हम उसको कैटेगराइज़ नहीं कर पा रहे होते कि हम किस कैटेगरी में इस रिक्वायरमेंट को रखें. दूसरा रिक्वायरमेंट्स एमलगेमेशन का एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट स्टेक होल्डर स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स देखने में बिल्कुल सिमिलर लग रही होती हैं, मगर हो सकता है कि उस रिक्वायरमेंट जो दो रिक्वायरमेंट्स हमें लग रही हैं कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर से आ रही हैं, तो हो सकता है कि उनमें उन रिक्वायरमेंट का जो मकसद हो डिफरेंट हो, मगर देखने में वो रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम लग रही हों, और कभी कभार जो है वो रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम होती भी हैं. तो हमें देखना है कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम रिक्वायरमेंट्स हमें डिफरेंट स्टेक होल्डर से आ रही हैं, या कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिसके अंदर हमारे पास बाकायदा रिक्वायरमेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं. तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर से जब रिक्वायरमेंट आती हैं तो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को फिर जो है वो हम एनालिसिस से और नेगोशिएशन से जो है बाद में रिजॉल्व कर सकते हैं. तो उसके अलावा हमारे पास जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग रिलाइज ऑन द स्पेसिफिकेशन रीडर्स, के जिस तरीके से रीडर जो है वो पढ़ रहा है तो वो सेम वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स जो है वो ले सकता है. जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जैसे कि मैं अगर आपसे किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ तो वो जो ऑब्जेक्ट का वर्ड है उसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं. ऑब्जेक्ट से मुराद जो है वो एक एतराज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. ऑब्जेक्ट से मुराद जो है वो इसके सिनोनिम्स में ऑब्जेक्टिव आता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, या फिर हम देखें तो फिजिक्स में ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन अलग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन अलग है. तो यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे अगर हम देखें तो जो रीडर है वो एक रिक्वायरमेंट को देखता है, तो उस रिक्वायरमेंट में जो रीडर उसको अपने हिसाब से देखता है उस कहाँ पे किस चीज़ पे एम्फिसाइज किया जा रहा है, किस चीज़ पे एम्फिसाइज नहीं किया जा रहा. तो नेचुरल लैंग्वेज में कभी कभार ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सही तरीके से पता नहीं लग पा रही होती, या फिर हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस जो है वो ओवर फ्लेक्सिबल होती हैं कि आपके पास एक ही चीज़ को कहने के डिफरेंट तरीक़ेकार हैं, तो डिफरेंट तरीके से एक ही बात जो है वो बार बार कही जा रही है. तो उस चीज़ को हम किस तरीके से एक वर्डली जो डॉक्यूमेंट है उसको हम किस तरीके से कंसाइज करें, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है. या फिर मज़ीद जो हमारे पास जो नेचुरल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना जो है उस जो हमारे पास ओवरऑल हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करके अपने पास रखें कि जिससे हम जो है वो मज़ीद जो है वो डिज़ाइन की तरफ जा सकें या फिर मज़ीद जो है हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सकें, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है. या फिर हमारे पास हम देखें तो एक जो अगर हम देखा कि रिक्वायरमेंट्स हम या तो एक एक तरीके का तो ये है कि हम इन वन को जो है तमाम रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं और फिर पूरी रिक्वायरमेंट लिस्टेशन और तमाम चीज़ें
जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस है वो एक पूरी साइकिल चलती रहती है, मगर कभी कभार हमने देखा कि हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आइटरेटिवली ले रहे होते हैं, और जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस भी है। तो हमारे पास जब हम जो है वो हम अक्सर जो है वो आइटरेटिवली और इंक्रीमेंटली जो है प्रोडक्ट की डिलीवरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि इन द लॉन्ग रन अगर बाद में कभी कोई चेंज आता है तो उस चेंज के हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट को सही तरीके से एग्जामिन ना किया जाए तो वहाँ पे भी जो है मसला हो सकता है। तो एक रिक्वायरमेंट को एग्जामिन करना वो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि नेचुरल लैंग्वेज में जो है हम उस रिक्वायरमेंट को देख के हम जो है वो चेंज का इम्पैक्ट जो है वो हम नोट कर सकें। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को हल करने के लिए बड़ डिफरेंट जो है वो चीज़ें जो है इस्तेमाल की जा रही होती हैं। तो कहीं पे हमारे पास जो है वो एग्जियम्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, डिसीजन टेबल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो हम जो है वो हमने देखा कि जहाँ पे जो मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स हैं या जहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे जो है वो रिक्वायरमेंट अगर सही तरीके से रिक्वायरमेंट जी परफॉर्म ना हो तो वहाँ बड़ा जानी और माली नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पे हम जो है वो फॉर्मल मेथड्स की तरफ जाते हैं जहाँ पे हम मज़ीद जो है वो जो है डिफरेंट हम जो है वो इम्प्लीकेशन और बाई डायरेक्शनल और इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम एग्जियम्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम जो है वो डिफरेंट असाइनमेंट एग्जियम्स वगैरह को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो फॉर्मल मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए हम चीज़ों को रिक्वायरमेंट को जो है वो स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम बाकायदा प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशंस और जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम इस तरीके से देखते हैं कि जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं वो हम फॉर्मल मेथड्स से मुराद हम मैथमेटिकल फॉर्म में हम स्टेटमेंट्स को रख के देखते हैं कि उन स्टेटमेंट को जब हम जो प्री कंडीशन पे रखें तो प्री कंडीशन से पे हम उन स्टेटमेंट को पहली स्टेटमेंट को रखें तो वो मज़ीद जो है वो सेकंड स्टेटमेंट पे जा रही है कि नहीं जा रही है, थर्ड स्टेटमेंट पे जा रही है कि नहीं जा रही, एंड सो ऑन पोस्ट कंडीशन जो है वो वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही, तो वो फिर हम मज़ीद फॉर्मल मेथड्स की तरफ चले जाते हैं। मगर हमारे पास जैसे हमने देखा कि जो टाइम टू मार्केट है वो भी कम होता है, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे बजटरी कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के साथ फॉर्मल मेथड्स को अप्लाई करना वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारे मसले मसाइल हमें हमें जो है वो उनका सामना करना पड़ सकता है। या फिर हम देखें तो जितने भी हमारे पास स्टेक होल्डर्स के नीड्स हैं और उनके वांट्स हैं, तो हमने इसके ऊपर भी बात की कि उनको उनके नीड के बारे में सही तरीके से उसका अंदाज़ा करवाना कि उनकी नीड जो है वो दरअसल क्या है। तो ये एक बड़ा अपने आप में चैलेंज है कि हम वांट्स ही जो है वो ऐसा ना हो कि हम तमाम जो है वांट्स स्पेसिफाई कर दें और जो है वो वांट्स पे ज़्यादा फोकस कर दिया जा रहा हो जबकि नीड्स को जो है वो ज़्यादा फोकस ना किया जा रहा हो। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमने देखा कि कुछ तो हम फॉर्मल मेथड्स और तमाम चीज़ों का जो है सारा ले रहे होते हैं, या फिर हमारे पास हम एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट जो है कुछ हम टूल्स और टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट जो कि एब्स्ट्रैक्ट फाइंडर और डोर टूल्स जो है वो उसको मिला के जो है बनाया गया, जिसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट्स को फाइंड कर रहे होते हैं कि हमारे पास हम उसके अलावा वो जो है हमें खुद ब खुद जो है वो पता लग रहा होता है कि किस तरीके से कहाँ पे जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है और ताकि हम उस प्रॉब्लम को डिस्टिंग्विश करके जो है वो उसके ऊपर काम कर सकें। तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट जो है वो भी हो सकता है कि कभी कभार जो है वो सही तरीके से वहाँ पे भी कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं, वहाँ पे भी कुछ हमें चैलेंज का सामना है कि एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट में हमारे पास हो सकता है कि वो नाउन और वर्ब्स को जो है वो सही तरीके से आइडेंटिफाई ना कर रहा हो। तो वहाँ पे भी हमें अगर हम देखें तो हम किसी टूल्स वगैरह का सहारा लेते हैं तो उनकी भी अपनी कोई अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वहाँ पे भी हम चैलेंजेस का सामना है। लेट सपोज मैं अगर आपसे कहता हूँ, मैं अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करता हूँ टू बुक अ फ्लाइट, तो बुक अ फ्लाइट में हमारे पास हो सकता है कि वो जो सॉफ्टवेयर है जो टूल है वो बुक को जो है वो एज अ नाउन ले रहा हो जबकि मैं यहाँ पे उसको एज अ वर्ब इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जब हम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बेहतर तरीका ये है कि हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करने के साथ साथ जैसे कि हमने देखा कि हम या तो हम फॉर्मल मेथड्स का इस्तेमाल करें, अगर हम फॉर्मल मेथड्स की तरफ नहीं जा सकते तो कम से कम हम जो है वो कुछ मॉडल्स तैयार कर लें। तो जैसे कि हमने देखा कि हम कंसेप्चुअल मॉडलिंग की तरफ जा सकते हैं, देन कंसेप्चुअल मॉडलिंग के बाद हम मज़ीद जो है वो टेक्निकल डिज़ाइन या टेक्निकल डिज़ाइन वगैरह की तरफ जो है वो हम जा सकते हैं। तो मज़ीद जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तमाम रिक्वायरमेंट हम जो है वो एक एक रिपोजिटरी में जो है वो बाकायदा रखें और उस रिपोजिटरी में जो है बाकायदा तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो मैनेज होती रहे, वहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स को मॉडिफाई करते रहें और हमें पता चलता रहे कि हम किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स को कब कब कैसे कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। तो डिफरेंट हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के बहुत सारे टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं जहाँ पर हम रिक्वायरमेंट्स वगैरह को ईजिली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम
अगर हम जो है वो यूज़र स्टोरीज़ वगैरह के तरीके से अगर हम रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना चाह रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, जीरा है, उसके अलावा हमारे पास और दूसरे टूल्स हैं जैसे कि जामा सॉफ्टवेयर है और दूसरे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, तो हम डिफरेंट किसी भी सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें तो नेचुरल लैंग्वेज में जब हम कोई रिक्वायरमेंट लिखते हैं तो रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करना, उनको वैलिडेट करना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो हम देखें तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए भी हम जो है वो प्रोटोटाइपिंग का सहारा ले सकते हैं। हमारे पास हम देखें कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एग्जीक्यूटेबल हैं और उनको हम डिफरेंट एग्जीक्यूटेबल्स बना के जो है हम उसके प्रोटोटाइप्स बना के जो है हम उनको चला के जो है उनको रिक्वायरमेंट्स को मज़ीद जो है वो हम वैलिडेट करें, देखें और किस तरीके से काम होना चाहिए और रिक्वायरमेंट्स प्रोटोटाइप्स जो है वो हम कस्टमर को दिखा के मज़ीद जो है वो उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है हम चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास मज़ीद जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो मज़ीद अगर हम देखें तो जो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करके नहीं चेक कर सकते, जिसका हम प्रोटोटाइप नहीं बना सकते, वो मज़ीद हमारे पास उसको हम जो है वो ERM और SSLT वगैरह के थ्रू जो है हम जो है वो उसको कुछ हद तक हम वैलिडेट करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि हमारे पास जो है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उनको आपस में देखना कि फंक्शनली एक सॉफ्टवेयर का एक्सटर्नल बिहेवियर क्या होगा, तो उस चीज़ को वहाँ पे भी हमारे पास हो सकता है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर जो है वो सेम बात कह रहे हों या डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हों, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है और रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से डिकम्पोज करना है, रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से हमें एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम डिफरेंट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में जो है वो ब्रेक करना है, तो हमारे पास वो तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो उन चीज़ों को हमें देखना है और कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंट हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, स्टैटिक और डायनेमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो जो भी हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको हम किस तरीके से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में देखते हैं, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है। या फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हवाले से हमने देखा कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो अगर हम शुरू में सही तरीके से हम उसको नहीं देख सकते, अगर हमारे पास स्पेसिफाई सही से नहीं हुई भी, तो हमने हमारे पास वहाँ पे जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आर्किटेक्चर का पार्ट बनती हैं। तो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स अगर हमारे पास जो है वो जो अगर हम देखें तो वो बहुत हद तक वहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का जो है वो एक बड़ा रोल है, तो वहाँ पे अगर हम आर्किटेक्चर में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो बाद में जो है वो इनको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और बाद में अगर हम जो है रिक्वायरमेंट लिस्टेशन करते हैं और बाद में हम जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा और दूसरी चीज़ें भी हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती हैं कि लेट सपोज़ जो जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, हो सकता है कि जैसे कि अगर जो टाइम टू मार्केट है वो एक बड़ा चैलेंज है, उसके अलावा बजटरी कंस्ट्रेंट्स हमारे पास एक बड़ा चैलेंज है, तो उस चैलेंज को देखते हुए हम जो है वो हम देखें कि हमारे पास जो है बने बनाए कुछ कंपोनेंट्स हैं तो हम उनको रीयूज़ करें, तो रीयूजबिलिटी हम एक रीयूजेबल ओरिएंटेड सिस्टम की तरफ हम जाएँ, तो वहाँ पर हम कमर्शियल ऑफ द शेल्फ जो हमारे पास कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम्स हैं तो उसकी तरफ हम जो है जाएँ, तो हमारे बने बनाए कॉम्पोनेंट्स को हम रीयूज़ करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि जो बने बनाए हमारे पास कॉम्पोनेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स की नीड और उनकी नीड के मुताबिक ना हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमें ट्रेड ऑफ करना पड़े, या फिर जो हमारे पास जो कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम है उनके अंदर हमें कुछ चेंज करना पड़े कुछ हद तक, और फिर किस तरीके से हम उनको जो है वो हम ओवरऑल जो है हम कन्फिग्रेशन कर सकते हैं कि यूज़र की नीड भी जो है फुलफ़िल हो जाए और हमारे पास रियूजबिलिटी का फैक्टर भी आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत हद तक ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। या फिर हमारे पास हम देखें कि हमारे पास जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं तो वो डिफरेंट डोमेन से अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है तो वहाँ डिफरेंट डोमेन की जो जार्गन्स हैं, तमाम चीज़ों को वहाँ को उन चीज़ों को समझना, वो भी हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अगर अगर हमारी लैक ऑफ नॉलेज है और डोमेन अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं है, डोमेन की नॉलेज हमें नहीं है, तो वो भी वहाँ पे भी हमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। और इसके अलावा जैसे हमने देखा कि अगर इनकन्सिस्टेंट रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मसला पे वहाँ पे हमें मसला फेस करना पड़ सकता है। तो इस तरह के हमारे पास बेशुमार जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जैसे कि हमने अभी कुछ डिस्कस की और जैसे कि हमने कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम की बात की, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो बने बनाए सिस्टम है उसको हम जब रीयूज़ करने की बात करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि जो हमारे पास जो बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ हैं वही हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएं और हम सही तरीके से हो सकता है कि वो जो बने बनाए सिस्टम है वहाँ पे
वो बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ के मुताबिक ना हो, तो वहाँ पे इन तमाम चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ करना, उसके अलावा जितने भी हो सकता है कि जिस भी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो अगर हम देखें तो वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको आपस में सिंक्रोनाइज़ करना, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या फिर हम कह सकते हैं कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो वहाँ पे एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की तरफ से आ रही हैं, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है तो वहाँ पे डिफरेंट ह्यूमन सोशल फैक्टर्स भी हैं, कि वहाँ पे हो सकता है कि रिक्वायरमेंट जानबूझ के जो है वो गलत बताई जा रही हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हमें फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास स्टेक होल्डर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई मतलब स्टेक होल्डर की नीड्स को क्लियरली जो है वो स्टेट करना, ये भी जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे पास जो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ है रिक्वायरमेंट की, स्कोप क्रीपिंग तो नहीं हो रही, कि हमारे पास जो बजट प्री कंस्ट्रेंट्स हैं, टाइम टू मार्केट है, उसके हिसाब से ही तमाम स्पेसिफिकेशन है या नहीं है, ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है। या फिर हम देखें कि हमारे पास जो हम डॉक्यूमेंटेशन जो कर रहे हैं तो वहाँ पे इनकम्प्लीट, और जो हम कह सकते हैं कि वेग रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमने देखा। उसके अलावा रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके अलावा हमने देखा कि हम जब जो कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम की हम बात करते हैं, हमारी यूजबिलिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा हमने देखा कि हम हो सकता है कि बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ के मुताबिक वो चीज़ें ना हो, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को हम किस तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं विद अवेलेबल कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम्स, और मज़ीद जो है वैलिडेशंस को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और वैलिडेट हम किस तरीके से सिस्टम को कर सकते हैं, तो किस तरीके से प्रॉब्लम को मज़ीद हम जो है वो डोमेन के हिसाब से प्रॉब्लम को सही हम अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करें, और किस तरीके से हम जो है वो एक बेहतर तरीके से रिक्वायरमेंट को हम स्पेसिफाई करें, उसको सही तरीके से रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करें। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमें डोमेन की नॉलेज जो है वो इतनी हो सकता है कि परफेक्ट नॉलेज हमें ना हो। तो मज़ीद हमारे पास जो है हमने देखा कि जो डिफरेंट डोमेन से जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, तो वहाँ पे कौन सी रिक्वायरमेंट की क्या प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से तमाम डिपार्टमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपस में सिंक्रोनाइज़ करना, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फिर रिक्वायरमेंट्स जो है हमने डिस्कस की, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इनको आपस में कैटेगराइज़ करना कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो है वो कितनी अहम है, उसके अलावा कौन सी कैटेगरी में लाया करती है, और इसके अलावा हमें कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको मज़ीद डिकम्पोज होने की ज़रूरत है, और हमारे पास जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और जिनका हमें पहले से ख्याल रखना है आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उन पे गौर व फिक्र करना, वो चीज़ें बड़ा जो है वो कंस्ट्रेंट है। और कौन से हम जो है वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं तमाम रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए, और वो चीज़ें हमें देखनी है। या फिर हम देखें तो इन तमाम जब हम नेचुरल लैंग्वेजेस पे जब हम तमाम चीज़ें हम प्रॉब्लम्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो हम साथ में ये इन तमाम चीज़ों को भी हमें देखना है कि हम जो है वो अगर फॉर्मल मेथड्स की तरफ जाएँ, तो फॉर्मल मेथड्स में हम जाने की भी अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बजटरी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जब हम बजटरी कंस्ट्रेंट्स सेट हो चुके हों, जब टाइम टू मार्केट हमें पता है कि टाइम टू मार्केट क्या है होना चाहिए, उस हिसाब से जब हम प्रॉब्लम स्पेसिफाई कर रहे हैं, और हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, उसके अलावा जो टैक्सेस बढ़ चुके हैं, या फिर आपके पास जो आपका जो स्टॉक एक्सचेंज के जो रेट्स हैं वो वैरी कर रहे हैं, तो अब वहाँ पे हम मज़ीद फॉर्मल मेथड या फिर हम जो है इतना ज़्यादा मज़ीद जो है वो हम जो है टाइम नहीं लगा सकते इन चीज़ों पे, तो वो हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक्सटर्नल इवेंट्स हैं जिनकी जो डिफरेंट एक्सटर्नल इवेंट्स हैं वो यहाँ पे हो सकता है कि रिक्वायरमेंट सही से ना जब ना दे रहे हो, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ हैं, ह्यूमन सेक्शुअल फैक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें सारी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इन अ नटशेल अगर हम ये देखें कि इन तमाम रिक्वायरमेंट्स का, रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स का जो इम्पैक्ट होगा वो क्या हो सकता है, तो वो हमारे पास जो है सिस्टम जो है वो लेट हो सकते हैं, या जो सिस्टम होंगे वो रिलायबल नहीं होंगे, और जो कस्टमर की नीड के मुताबिक नहीं होंगे, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलेगी, हमारे पास डिफेमेशन हो सकती है, और इसके अलावा हमने देखा कि जो रिज़ल्ट है वो उसके अंदर इनॉर्मस लॉस ऑफ टाइम, रेवेन्यू, मार्केट शेयर एंड ट्रस्ट ऑफ कस्टमर, दिस कैन रिज़ल्ट इन ऑल ऑफ दिस। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़ सकता है।